हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन पर एंजॉय में। फ्रेंड्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया है, आपका थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। आपका इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आपका ये जो रेस्पॉन्स है, चैनल सब्सक्राइब करा, शेयर करा और कॉमेंट करा, प्लीज़ इसे कंटिन्यू रखें और मैं भी अपनी अच्छी अच्छी वीडियो कंटिन्यू रखूंगा। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में जो हमारे DLED NIOs के नोट्स हैं, PRT में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में मैं लाया हूँ एक वीडियो। आइए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो, जो कि इस बार है कोर्स 501 से ब्लॉक नंबर 2, भारत में प्रारंभिक शिक्षा। और मैं अपने सब्सक्राइबर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, और जिन्होंने कमेंट करे उनके लिए भी थैंक्स। और प्लीज़ इसी तरह अपना साथ देते रहिए और मोटिवेशन मिलती रहेगी, हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है UEE, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रारंभिक शिक्षा सर्वीकरण। एक बात ध्यान रखना कि DSSB जो है, आजकल पेपर में फुल फॉर्म काफ़ी पूछ रही है, क्योंकि जो 6 तारीख का पेपर हुआ था, 89/17 का, उसमें काफ़ी फुल फॉर्म पूछी गई थी। आप अपने फ्रेंड्स से एक बार पता करना जिन्होंने पेपर दिया हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस सीरीज में जो ब्लॉक 2 से हैं, इसमें कुछ फुल फॉर्म भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से पढ़ते हो चलो इनको। तो UEE की फुल फॉर्म है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या सार्विकीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, UEE का क्या अर्थ है? बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता ही UEE कहलाता है। क्योंकि जैसे कई बच्चे होते हैं जो काम की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे रीजन होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनकी को भी शिक्षा प्रदान करना किसके अंतर्गत आता है? UEE के अंतर्गत। आगे देखते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि होती है 3 से 6 साल तक। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा की अवधि होती है 6 से 11 साल तक। आगे चलते हैं, उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 to 8, इसकी अवधि होती है 11 से 14 साल। नेक्स्ट देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा, इसकी अवधि होती है 15 से 16 साल। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो 7 तारीख के एग्जाम में पूछे गए थे DSSB की, तो ये ध्यान रखते हुए चले हो आप, याद कर लो इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतर या वरिष्ठ शिक्षा की अवधि होती है 17 से 18 साल। नेक्स्ट, SSC 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 में शुरू की गई थी यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, परियोजनाओं से भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, लोक जुम्बिश योजना सन 1992 में राजस्थान में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, लोक जुम्बिश योजना का सर्व शिक्षा, लोक जुम्बिश योजना को सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, SIDA की फुल फॉर्म है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके माध्यम से लोक जुम्बिस योजना का शुरुआत की गई थी राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, लोक जुम्बिस योजना का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में 80% तक साक्षरता बढ़ाना, लोक जुम्बिस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नेक्स्ट, विहान NGO उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, शिक्षा कर्मी परियोजना 1987 में शुरू की गई थी राजस्थान से। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर स्कीम 1997 में शुरू की गई थी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट देखते हैं, समूह निवासी विद्यालय उन लड़कियों के लिए जो दूर से आती हैं, उनके लिए समूह निवासी विद्यालय खोले गए थे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, पोषक आहार परियोजना आरंभ की गई थी 1995 में। नेक्स्ट, सावित्री बाई फुले अभिभावक स्कीम सन 1993 में शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, विद्या निकेतन योजना प्रतिभाशाली जनजातीय मीन्स प्रतिभाशाली ST बच्चे से संबंधित थी। फ्रेंड्स, ये इसी बुक से ली गई है फुल फॉर्म, इसमें फुल फॉर्म भी दी गई है। और जैसे कि कमेंट में करके मुझे बताया भी था कि सर फुल फॉर्म वाली वीडियो बना दीजिए, तो इसी ब्लॉक में सारी फुल फॉर्म है। तो देखते हैं DPEP की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आया था 7 तारीख को, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट, DPEP केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट, PMC की फुल फॉर्म होगी पंचायत मॉनिटरिंग कक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, IEDC इसकी फुल फॉर्म होगी विकलांग बच्चों की पहचान तथा उनकी शिक्षा। नेक्स्ट, MIS इसकी फुल फॉर्म होगी प्रबंधन सूचना प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत की साक्षरता दर 65 से बढ़कर 75% हो गई है, 70। नेक्स्ट बीईपी की फुल फॉर्म बिहार शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं NER, इसकी फुल फॉर्म शुद्ध पंजीयन अनुपात। नेक्स्ट देखते हैं GER, इसकी फुल फॉर्म होगी सकल पंजीयन अनुपात। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुआ था। नेक्स्ट EMIS, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं AIE, वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं AECCE, इसकी फुल फॉर्म होगी पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा। नेक्स्ट DEP, इसकी फुल फॉर्म होगी दूर शिक्षा कार्यक्रम, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट CAL, इसकी फुल फॉर्म होगी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम। नेक्स्ट देखते हैं RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। नेक्स्ट 86वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट VEC की फुल फॉर्म होगी ग्राम शिक्षा समिति। इन सबको रट्टा मार लो, रट लो, कैसे भी याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं ICDS, इसकी फुल फॉर्म है समेकित बाल विकास योजना। नेक्स्ट 73वें 74वें संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन संबंधित, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 7 तारीख के 89/17 के पेपर में। नेक्स्ट डाइट की फुल फॉर्म होगी जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट SMC की फुल फॉर्म होगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मीन्स विद्यालय प्रबंधन समिति। नेक्स्ट देखते हैं GRC, ग्रीवेंस रिडर्सल कॉमेटी। नेक्स्ट DRC, इसकी फुल फॉर्म होगी जिला पंचायत केंद्र। नेक्स्ट है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार DS फिल्म में पूछा भी गया है। UNDP की फुल फॉर्म इसकी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल नेट विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट ISP की फुल फॉर्म होती है ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो फ्रेंड्स ये थी एक और वीडियो, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जैसा आपने अभी जो चैनल सब्सक्राइब किया और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए, उससे मुझे अच्छा लगा और अच्छी मोटिवेशन मिली। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही मिलता हूँ अगली वीडियो में, जो बाकी कोर्सेज से होगी और हमारी PRT का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प करने वाली होगी। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन थैंक्स फॉर माई सब्सक्राइबर एंड जितने भी लोगों ने मुझे कॉमेंट कराया उसका भी थैंक्स, और लाइक करने वालों को भी थैंक्स, और जितने इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों का थैंक्स। किसी बात की टेंशन मत लो, अपना बिना टेंशन के पेपर दो अच्छा होगा, अगर टेंशन लेके पेपर दोगे बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो विदाउट टेंशन के अपने तैयारी करो और पेपर दो। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।